श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सौभाग्यवती नारी जितना भगवत नाम स्मरण करती है, भगवत पूजन करती है, व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, अर्चना करती है, उस सौभाग्यवती नारी का किया हुआ दान पुण्य धर्म भजन कीर्तन स्मरण सेवा चाकरी उसके पति के भी काम आती है और उसके पुत्र और पुत्री के भी काम आती है। माताएं अगर एकादशी का व्रत कर रही है, सोमवार का कर रही है, मंगलवार का कर रही, बुधवार का करे, गुरुवार का करे, चतुर्थी का करे, तीज का करे, छठ का करे, आप जो भी व्रत करते हो उस व्रत का विधान स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में क्या वर्णन लिखते हैं कि नारी जब सौभाग्यवती हो जाती है, लड़की की जब शादी हो जाती है और वो अपने पति के घर में जब रह रही होती है, पति के संग रह रही होती है, तो पति के घर में रहकर जितना भजन पूजन करती है, जितना स्मरण करती है, वो उसके द्वारा किया गया भजन पूजन व्रत आराधना उद्यापन चाकरी दर्शन ये सब का फल उसके पति के खाते में भी जाता है और उसके पुत्र और पुत्री के भी खाते में जाता है। अगर व्रत करने के दिन मालूम पड़े आपने कोई तीज का व्रत, छठ का व्रत, चतुर्थी का कोई विशेष खास जो व्रत होता है, सोमला सोमवार का व्रत, पशुपति व्रत, और आप अपने मायके चली गई और मायके का अन्न जल आपने ग्रहण किया, मायके का प्रसाद ले जाकर, मायके की थाली ले जाकर, मायके का पूजन का सामान ले जाकर आपने भगवान की आराधना करी, तो स्कंद पुराण कहती है वो स्वीकृत नहीं होता, क्योंकि विवाह होने के बाद गोत्र बदल जाता है, उस गोत्र का अन्न चाहिए, उस गोत्र का भाग चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।